राधे कृष्णा, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं दिखाऊंगी कि रात को हमारे यहाँ कैसे ढोल बजता है, आइए मैं दिखाती हूँ। ये है तैयारी, ऐसे किया है हमने इसको तैयार। बहुत ही मेहनत का काम होता है ये। अभी और तैयार रही हैं तो वो तो सुनने नहीं देंगी, तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद और दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे बाल गोपाल जी, इनको टोपी नहीं है ना, तो ये मैंने फूल रखा था। ओके, ये हमारे बाल गोपाल जी हैं, देखिए इतने सुंदर लग रहे हैं। अब इनको हम फिर से ढक देंगे और ठीक 12 बजे ही खोलेंगे जब इनका जन्म होगा, और इसी टाइम पे झूला झुलाया जाता है और व्रतों को तोड़ा जाता है। ये हवन की प्रक्रिया की जा रही है। बहुत दिनों से मंदिर बंद था, एक्चुअली मेरे नानी जी की डेथ हुई थी 1 महीना पहले, तो उसके बाद से प्रॉपर यहाँ पे पूजा पाठ नहीं किया गया, तो इसलिए आज पूजा हो रही है। तो पहले हवन भी किया है, अभी हम आरती वगैरह करेंगे। जल छिड़का कर सभी को शुद्ध किया जा रहा है। यहाँ पे रस्म होती है कि पूजा पाठ से पहले लड़की जो है वो टीका लगाती है सबको, तो टीका लगाते हुए देखिए सबको लगाया जाएगा। पूजा का आरंभ पहले गायत्री मंत्र के साथ किया जाएगा, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है मंदिर में, कोई भी जैसे बहुत दिनों से बंद रहा, तो उसकी शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र से शुरुआत की जा रही है। जिस प्रकार कोरोना का कहर फैला है उसका असर मंदिर में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां पर पहले बहुत सारे लोग हुआ करते थे, इस बार बस यही पे थोड़े गिने चुने लोग आए हैं, गिनती में 10-15 ही होंगे। और गायत्री मंत्र का प्रचार किया जा रहा है, आप सुन सकते हैं। Oh,
अभी सिर्फ 10:30 हैं, अभी 1.5 घंटा है कृष्ण का जन्म होने में, तब तक भजन ही चलेंगे। 8 बजे से हम भजन शुरू लगे हुए हैं, यहाँ पे 8 बजे से हम लगातार भजन कर रहे हैं। अब कृष्ण जी का जप होगा अंदर लगातार। गाना कपड़े पहनाए जा रहे हैं।
दिन हो चुका है। आप सभी को कान्हा की जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। करके मंदिर के अंदर जो है जाकर तुलसी के पत्ते चढ़ाए जा रहे हैं भगवान पर। 108 तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाएंगे। लिखना ना भूलें कि हमारे भजन आपको कैसे लगे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।